मीडिया से ही पता चला है। अगर ये वीडियो वायरल हुई है, सोशल मीडिया का जमाना है और इस तरह की खबरें तो आती रहती हैं, हकीकत से इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि अक्सर स्टूडेंट जो है जो पढ़ के नहीं आते, नकल करने चाहते हैं, तो जब कुछ नहीं होता तो काफ़ी अक्सर लेकर चले जाते हैं। और ये प्रोसेस में तकरीबन 20 साल से मुझे भी ये एक्सपीरियंस हो गया है, तो साल में कोई ना कोई स्टूडेंट जो है बोर्ड के पास भी ऐसे केस रजिस्टर्ड होते हैं। तो सर, ये जो कॉपी गई, इस हवाले से ज़रा काइंडली मुझे बताइएगा कैसे घर गई और क्या आपने स्टैंड लिया इस पर और क्या कार्रवाई? असल में घर जाना तो अलग बात है, एक बच्चा जब घर यहाँ से निकाल के ले जाता है, छुपा के ले जाता है और वो फिर घर ले जाए या कहीं भी ले जाए, तो उसका तो हम जिम्मेदार नहीं है। मगर हाँ, हम रिपोर्ट कर देते हैं बर वक्त कोर्ट को, हमने कापी चोरी की रिपोर्ट कर दर्ज करा दी थी। हमें ये नहीं पता कि इस बच्चे ने जाकर क्या किया, वीडियो बनाई है क्या किया, और ये भी अभी तहकीक होनी है कि क्या वाकई में यही है या नहीं है। कापी अगर उसके पास है तो मैं CTD से गुजारिश करूंगा कि इस पर तहकीक करें और इसको गिरफ्तार करें, और हमारे पास जो रिकॉर्ड है, जो भी कापियां अगर हमारी कोई बच्चे लेकर भाग जाते हैं, उसका रिकॉर्ड बिल्कुल हमारे पास होता है। सर, उस दिन बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी, उसमें कहा था कि कोई ऐसा वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ, ये 29 तारीख का वाकया है, तो उस दिन क्या बोर्ड को इतला दी गई थी यहाँ से कि अगर कॉपी मिसिंग? बहुत शुक्रिया आपका हमें अपडेट कर रहे थे।